हेलो गाइस, वेलकम टू एफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। देखो, 1 जनवरी को बहुत बच्चों को खुशखबरी मिला है, तो अभी उन बच्चों का माइंड में चल रहा है कि सर मेल कब आएगा, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कब से शुरू होगा, कब हम लोग ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे, कब हम लोगों को आरओ में बुलाया जाएगा, कब हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे एंड कब से हम लोगों का सैलरी काउंटिंग स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ सर ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो किस तरह होंगे, ये सारा चीजों के बारे में आप लोगों का माइंड चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आज ये वीडियो के जरिए हमें यही जितना भी डाउट है आप लोगों का कि ज्वाइनिंग प्रोसेस किस तरह होगा, कब तक ज्वाइन हो जाना चाहिए, मेल कब तक आना चाहिए, मेडिकल फॉर्मेलिटीज कब तक होगा, ये सारा चीजों के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर में तो कोई कंसीडर है ही नहीं, है कि नहीं, करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अरेबिक पीओ हो या अरेबिक क्लर्क हो, दोनों का ही ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज उतना डिफरेंट नहीं है, मोर लेस सेम ही है। जस्ट डिफरेंस ये है कि आरआरबी जो पीओ कैंडिडेट है उनका डीबी ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उनका फीड एक बार होगा, लेकिन आरआरबी क्लर्क का अभी फ्रेशली होगा क्योंकि उनका तो हुआ ही नहीं है। आप लोगों का एक मेल आएगा, ठीक है। मेल किस तरह होगा, क्या आप लोग देखना चाहते हैं, सच बोलेगा कि आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, चाहते हैं। देखिए, इस तरह आप लोग का एक मेल आएगा, ठीक है। ये मेल में आप लोगों का डिटेल सब कुछ मेंशन रहेगा कि कब होना है, एड्रेस कहां पे आप लोगों को जाना है एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है। तभी भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेन डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज लेके जाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आप लोगों को लेना है कॉल लेटर। जो आप लोगों का मेल आएगा वही हो जाएगा आप लोगों का कॉल लेटर, ठीक है। तो उसी का ही एक प्रिंटआउट आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को लेना है, ठीक है, जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा, तीसरा, 1 जनवरी का जो आप लोगों का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट का एक प्रिंटआउट ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। उसके बाद आप लोगों का आईडी प्रूफ लेना है, आईडी प्रूफ ये तो मालूम ही है आप लोगों को, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी हो आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद आप लोगों को फोटो लेना है। देखिए, फोटो एक बड़ा साइज का होता है, ये साइज क्या है मुझे ये याद नहीं आ रहा है, एक बड़ा साइज का लेना है और एक छोटा साइज का भी, तो छोटा का भी ले लीजिएगा एंड बड़ा का भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद आप लोगों का सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो वो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो उसके रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको शो करना है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको लेना है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म फिलअप करने के टाइम में ये मेंशन किया था कि आप एक वर्किंग हो, इन दैट केस आप एनओसी आपको लेके जाना है। ये तो हो गया नॉर्मल सर्टिफिकेट और अदर्स। अभी एकेडमिक में क्या क्या लेना है, देखिए एकेडमिक में आपका बर्थ सर्टिफिकेट। सर, बर्थ सर्टिफिकेट एकेडमिक में कैसे, नो, क्योंकि आपका जो टेंथ है ना, तो किसी किसी बच्चे का क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनके लिए क्या होगा, जो टेंथ का एडमिट कार्ड होगा वही आप एज ए बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद टेंथ का मार्कशीट एंड टेंथ का पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12th का भी सेम, 12th का भी मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड अगर आप ग्रेजुएशन में सेमिस्टर वाइज थे तो सेमिस्टर वाइज मार्कशीट, अगर आप ईयरली वाइज थे तो ईयरली वाइज मार्कशीट, जैसे आप थे उसी टाइप से आपका मार्कशीट को प्रोड्यूस करना है एंड साथ ही साथ आप लोगों को पास सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है। ये डॉक्यूमेंट हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है, इन डॉक्यूमेंट को आप लोग एक सीरियल वाइज सीजिल कर लीजिएगा। अगर मैं बोलूं एकेडमिक का, तो एकेडमिक का सीरियल होगा ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट होगा ये वाला, आपका जो कॉल लेटर रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसके बाद आईडी प्रूफ रहेगा एंड रिजल्ट रहेगा, ये रहेगा पहले। उसके बाद आएगा आपका एकेडमिक, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सर्टिफिकेट, इसको आप एक सीरियल वाइज सजा लीजिएगा, ठीक है। एंड जो जेरोक्स कॉपी होगा उसका 2 सेट बनाइएगा। 2 सेट बनाने के बाद दोनों ही सेट को सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, ठीक है। एंड जो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल को भी एक साथ लेके जाइएगा, ठीक है। तो जब ओरिजिनल वाला वो आपके पास होगा एंड जो जेरोक्स वाला का एक सेट उनको आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जब डॉक्यूमेंट डीवी करेंगे, वो लोग जब एग्जामिनर जब डीवी करेंगे, तब आप एक एक आप सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये सीजिल वाइज देने से अच्छा होता है। ये तो हो गया डीवी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बोला ही नहीं, एक क्या होगा, इंडेमिनिटी बॉन्ड होता है। इंडेमिनिटी बॉन्ड क्या है सर, इंडेमिनिटी बॉन्ड होता है कि आप लोग जो आरआरबी को ज्वाइन कर रहे हो, एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि आप एक पीरियड तक आरआरबी को छोड़ के नहीं जा सकते।
अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा, इसकी रिगार्डिंग में एक बॉन्ड होता है जो आप लोगों को साइन करना होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर इसका डिटेल्स कहाँ मिलेगा, इसका भी एक मेल आएगा, ये देखिए इस तरह मेल आएगा। ये दोनों जो मैंने मेल दिखाया ये लास्ट ईयर का है, जो मेरा एक स्टूडेंट को आरबी में जॉब मिला था तब इसका है, ठीक है। इस तरह एक मेल आएगा, इसी में ही आप लोगों को ड्राफ्ट दे दिया जाएगा। तो आपको वहां पे मेंशन होगा कितना रुपए का ई स्टाम्प पेपर लेना है, एंड आपका जो ड्राफ्ट होगा उसी को वहां पे ई स्टाम्प पेपर पे टाइप करवाना है, ठीक है। एंड ये बॉन्ड को रेडी करके जो दिए गए फर्स्ट जो मेल आएगा आपका, जो वहां पे मेंशन होगा कौन सा एड्रेस है, वो एड्रेस पे विथ योर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है फर्स्ट, ठीक है। आप लोगों का डीवी होने के बाद, जब आप लोगों का डीवी कंप्लीट हो जाएगा, डीवी होने के बाद आप लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए आप लोगों को वो लोग ही रिकमेंड करेंगे, वहां पे आप लोगों को जाना है। वहां पे आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उन लोगों को जो जो चाहिए मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद इनके लिए फ्री हो जाओगे, रिपोर्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो रिपोर्ट डायरेक्ट आप लोगों के डिपार्टमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट डे आप लोगों को रिपोर्ट देख के, क्योंकि रिपोर्ट अगर आप लोगों का मेजर कुछ नहीं है प्रॉब्लम बॉडी में, अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने वो ऑनेस्टली मेंशन किया तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ जब ओके रहेगा तो आपको क्या होगा, ये बॉन्ड में साइन हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड में साइन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद आप लोगों को अगेन एक मेल किया जाएगा कि आप लोगों को इस डेट में आरओ को ज्वाइन करना है, जो जो भी स्टेट से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वही स्टेट का आरओ में आप लोगों को बुलाया जाएगा। एंड आरओ में बुलाने के बाद ही वहां पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, एंड नेक्स्ट डे आप लोगों को जाके जो आप लोगों का सेंटर है, जो लोगों का प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, उसमें जाके ज्वाइन करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो ये तो सारा प्रोसेस मैंने बोल दिया। अभी बच्चों का मन में आएगा सर ये होगा कब? देखिए मेरे अगर मैंने जितना इन्फॉर्मेशन लिया एंड लास्ट 1 to 2 years का भी मैं बात बोलूं तो 15 तक आप लोगों को मेल आ जाना चाहिए। पीओ हो क्लर्क हो दोनों के लिए बोल रहा हूं, 15 तक आप लोगों को ये मेल आ जाना चाहिए। एंड 4th week तक में आप लोगों को डीवी हो जाना चाहिए। एंड 31st जनवरी को आप लोगों को शायद आरओ में, अगर वो संडे नहीं है, अगर वो हॉलीडे नहीं है, तो 31st जनवरी को आप लोगों को शायद आरओ में बुलाया जाएगा। एंड 1st February से शायद आप लोगों का ज्वाइनिंग होने का चांसेस होता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी सेम हुआ, होप कि आप लोग 1st February से जॉब में लग जाओगे, आप लोगों का सैलरी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों का जितना भी डाउट था क्लियर कर पाया हूं। अगर इसका बाहर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो छोटा या बड़ा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं वो डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।